तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लोन वुल्फ गेमिंग में। तो ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है इसमें अपने नए बेस के लिए, मतलब जो मेरा घर है उसे बड़ा करने के लिए। बहुत छोटा सा नहीं, सब प्यारा घर है, जिसको बड़ा करने के लिए हमें अपने प्यारे से छोटे से घर को तोड़ना पड़ रहा है। ये मैंने बनाया था, फिर मैंने सोचा दो तीन मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी, तो मैंने कहा चलो कुछ अलग तरीके से फिर बनाया जाए। तो अब मैं ये सारी की सारी यहाँ से ना दीवारें जो भी है ये मैंने बनाई थी, क्योंकि पहले मैं सोचा था सिंपल बना था, फिर मैंने कहा यार लखनऊ का सब कुछ उतना ही है तो सिंपल बना के करना क्या, थोड़ा सा डिज़ाइनदार सा बनाते हैं अलग टाइप का। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा एक वीडियो भी बन जाएगी। ये मैंने कुछ पिलर्स वगैरह लगा रखे थे, तो अब मैं वुडन फाउंडेशन का यूज़ करके यहाँ पे थोड़े बहुत और पिलर से खड़े करूँगा। ये मैं फ़िलहाल तो कोने कोने में लगा रहा हूँ ना, इसे जो भी हमारे वुडन फाउंडेशन वगैरह है, ताकि जो हमारे पिलर्स वगैरह हैं उनको सपोर्ट मिल सके। वुडन पिलर ये लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो गैप वगैरह होता है ना कम्प्लीटली, मतलब ज़्यादा नहीं आता और सही रहता है इसमें। आप मतलब कभी आपने देखो दो दीवारें अलग अलग सी रहती हैं, तो वो कवर कर जाता ही है ना वुडन फाउंडेशन की वजह से। तो बस चलिए ना जल्दी जल्दी से ये लगा लेता हूँ मैं भी, जितने भी पिलर मैंने लगाने हैं तोड़ फोड़ करनी है सब, जल्दी से करते हैं है ना। फिर मिलते हैं, चलो आगे वीडियो में मिलते हैं। फिर दीवारें वगैरह तो सारी की सारी हटा दी हैं और काफ़ी हद तक पिलर भी खड़े ही कर दिए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। अब मेरे को ऐसा थोड़ा सा ना और मतलब पिलर्स वगैरह भी मेरे को और लगाने हैं, उसके बाद फिर हम इसमें गेट वगैरह वॉल्स वगैरह सारी की सारी लगाएंगे। तो फिलहाल मेरे को बनानी पड़ रही है कि रिसोर्सेस मैंने सारे के सारे पैसे जमा करके रखे हुए थे, प्लस जितना मुझे लगा है कि लग सकता है, बाकी मुझे पता है कि कम तो पड़ेंगे ही। फिलहाल तो पिलर और बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने बनाया तो सारे के सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत बार तोड़ा बनाया फिर तोड़ा फिर बनाया। एक तो घर तोड़ने में दिक्कत बहुत होती है यार, कसम से कह रहा हूँ मैं, एक इतने प्यार से इतनी मेहनत से मैंने छोटा सा प्यारा सा अपना शाना जामा बनाया था, उस बेचारे को पूरा का पूरा उड़ा दिया मैंने।
अब दोबारा बनाना पड़ रहा है मेरे को। पीले तो पिलर बहुत कम पड़ रहे हैं ना मेरे को, पिलर बहुत ज़्यादा। एक तो स्टोन पिलर्स लगा रहा हूँ मैं, उन्हें लगाने को तो वुडन भी लगा सकता था बट उसमें ना फिर वो मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा वुडन ही लगा लेते हैं और क्या। चलो फिर देखते हैं, जल्दी से गेट वेट लगाते हैं इसमें और करते हैं फिर तैयारी से आगे और जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। करना तो है ही भाई, अब क्या करें। 2 hours later. मैंने स्ट्रक्चर वगैरह तो खड़ा कर दिया है, वॉल्स वगैरह भी लगा दी है सारी की सारी ना, मतलब सारी काम लगा काफ़ी अच्छा। मैं सोच रहा हूँ आगे का ये छज्जा था उसे कैसा रूप दूँ, तो मेरे को उसके लिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये ना ऐसा डायरेक्ट तो लग ही नहीं है, तो मेरे को सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि कैसे लगाऊँ। बाकी आप देख सकते हो सारा लगा ना, फिलहाल तो मेरे को और चीज़ चाहिए, देखते हैं यार कुछ ना कुछ करके लगाना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ या तो ये वॉल्स वगैरह जो है ये टैच वाली ये लगा के चेक कर लूँ कि अगर ये लगा के कुछ हो सकता है, मतलब पहले ये वॉल्स लगा लूँ उसके बाद ऊपर इसके बुड़न लगा के तब उसके ऊपर ये लगा। देखते हैं अगर काम कर जाए ये तो सिस्टम, देखता हूँ अभी। ये लग तो गया है, सारा का सारा हट गया। यही दिक्कत होती है इसमें, दोबारा लगा के देखते हैं लग जाता है और मेरे पे है भी नहीं बहुत वगैरह। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब दीवार वगैरह पे टच हो जा कुछ तरीके से, यार ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। जब मैं नीचे की हटा रहा हूँ ये वॉल वगैरह ना तब दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत हो रही है कि ऊपर वाला भी हट जाना, मतलब कैसा होना तो नीचे था क्या, मैंने ज़्यादा गैप दे दिया क्या बीच में, क्या करें समझ नहीं आ रहा। और ऐसे ये डायरेक्ट लगेगा नहीं सीधा, तो सीधा यही लग जाएगा। चलो पहले कुछ दुआ कर लें, तो हेलो मॉर्निंग तो हो चुकी है। तो मैं पहले तो पानी पिए जाके, प्यास लग रही है कुछ खा भी लें, स्टेमिना वेस्टेमिना बढ़ जाए क्या पता थोड़ा सा हमारा भी। चलो भाई अंदर देखो, मैं सोच रहा हूँ बाहर का तो बन नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट अंदर का ही काम स्टार्ट कर दूँ ना, यहाँ पर बाहर का क्या बनना, बाहर का देखेंगे बाद में यहाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट फिलहाल तो नहीं करना भी कुछ। और यहाँ का देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे और ये लगा देता हूँ ऐसे, ये ठीक है। ऐसे बैठ जाएगा, देखो ज़रा अगर लग रहा तो, लग तो रहा है यार छा लग रहा है। चलो कोई नहीं।
बाकी का काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा लगेगा। कुछ इस तरीके से है ना, सही है, ठीक लग रहा है फिलहाल तो। अलग अलग कर लो इसमें दो कंप्लीट करता हूँ, फिर अगले सीधा मैं आपसे फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है, पूरा का पूरा घर कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसा लगेगा मेरा। तो हमारा घर बनके बिल्कुल तैयार है, जो आप देख सकते हैं ये बाहर का स्ट्रक्चर है। मैंने काफ़ी स्लोप्स वगैरह दिए हैं चारों तरफ में, ये देखिए ये वो स्लोप है जो अंदर से उससे मैं देखता हूँ, सोच रहा था कैसा लगेगा, और ठीक लग रहा है, अंदर आज भी चलती है ये कुछ इस तरीके से है। मैंने ऊपर का एरिया भी ओपन छोड़ा ताकि अगर मैं चाहूँ तो बाद में अगर कोई स्ट्रक्चर वगैरह कर सकता हूँ तो इसके ऊपर मैं इजिली खड़ा कर सकता हूँ। इसे हम यहाँ साइड में लगा देते हैं, यहाँ लगा के यहाँ, ठीक है यहाँ लगा देते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है ना। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो अंदर का शब्द है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार, ठीक है, बाय बाय।